बाबा हट जाते हो सर, सुप्रीम कोर्ट से सर राहत मिला हुआ है सर, किसी को तरफ सर थोड़ा सर बहुत देर से खड़ा है, एक घंटा से खड़ा है। अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, सत्व जयते। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले की जांच संबंधी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य बताने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिकाओं को सोमवार को स्वीकार कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता पर राज्य के खनन मंत्री रहते हुए खुद को खनन पट्टा देने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने कहा, इन दो याचिकाओं को अनुमति दे दी है और जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं ठहराते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के 3 जून 2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस आर भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड सरकार और सोरेन की अलग अलग याचिकाओं पर 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को खनन पट्टा मामले में सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर कार्यवाही करने से रोक दिया था। क्या संकट हो गया, ईडी का छापा पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है उससे? जिस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, आज हम लोगों का मनोबल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आए हैं वो निर्णय उसने बढ़ाया है। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा है, वह गरिमा बनी रहे उसी की गुहार लगाने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धैर्यपूर्वक। और आप जन सैलाब को देख रहे हैं कि जन भावनाएं किस तरह आहत हुई है, इनका ख्याल करें, इन्हीं उम्मीद के साथ हम आए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।